हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज हम अजवाइन की पत्तियों की नमकीन पूड़ियां बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अजवाइन की पत्तियों को धोकर साफ कर लेंगे, फिर ग्राइंडर में डालेंगे। सारी पत्तियों को एक बड़े जार में मैंने डाल दिया है। आधा कप से भी कम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम इसको पीसेंगे। ये देखिए, अजवाइन का पेस्ट तैयार हो गया है। पेस्ट को एक बोल में निकाल लेंगे। पेस्ट में आटा उतना ही पड़ेगा जितना कि अब्सॉर्ब हो सके। पूड़ियों को थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए एक कप चावल का आटा डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालिए, ना हो तो आप इसकी जगह थोड़ा सा सूजी भी डाल सकते हैं। चौथाई चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। फिर सबको अच्छे से मिला देंगे। पेस्ट अभी भी थोड़ा सा गीला लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाएंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा अच्छे से गूंथ गया है। अब इसको हम 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए, अब हम चल रहे हैं कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालने। एक मीडियम आकार की लोई लेंगे और उसके बाद हम जैसे सिंपल पूड़ियां बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इन पूड़ियों को भी बनाना है। छोटी या बड़ी पूड़ी आप अपने हिसाब से भी बना सकती हैं। और थोड़ा सा परथन लगा करके हल्का हल्का बेलना है। इसी तरह से सारी पूड़ियों को हम बना लेंगे। आप परथन की जगह थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी लगा के बेल सकती हैं। सारी पूड़ियां हमारी बन चुकी हैं। अब हम चल रहे हैं पूड़ियों को तलने। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। जब एक तरफ पूड़ी अच्छे से सिक जाए तभी हम दूसरी तरफ पलटेंगे। ये देखिए, पूड़ी हमारी
अच्छे से फूल रही है। अब हम इस पूड़ी को पलट देंगे। इसी तरह से दूसरी पूड़ी को भी पलट देंगे। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पूड़ियों को थोड़ा लाल होने तक सेकेंगे, जिससे कि पूड़ियाँ क्रिस्पी बने। दोस्तों ये पूड़ियाँ चाय और चटनी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। पूड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। इन पूड़ियों को आप खाने के साथ खा सकते हैं, नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, कोई गेस्ट आए उसको भी बनाकर खिला सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।